इधर बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों पर स्वाति मालीवाल के घर पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। मालीवाल ने कहा है कि मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, शुक्र है मैं और मेरी माँ घर पर नहीं थे। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि कुछ भी कर लो मैं डरूंगी नहीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि अब से कुछ देर पहले मेरे घर पर कोई हमलावर घुस आया और उसने हमला किया, मेरी और मेरी माँ की गाड़ी बुरी तरीके से तोड़ दी गई, ये घर में घुसने की कोशिश भी की गई है, शुक्र है मैं और मेरी माँ घर पर नहीं थे वरना पता नहीं क्या होता। उन्होंने बाद में लिखा है कि कुछ भी कर लो मैं डरूंगी नहीं, दिल्ली पुलिस को शिकायत कर रही हूँ। तो ये बड़ी घटना है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ है। आज सुबह मेरे घर में कोई हमलावर घुस आया और उसने बहुत बुरी तरीके से हमला किया है। मेरी और मेरी माँ की गाड़ी पूरी तरीके से उसने तोड़ दी। वो तो शुक्र है कि मैं और मेरी माँ वहाँ पे नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता आज। पिछले 7 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत बड़े बड़े काम करे और बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ कार्यवाही करी है। उन्हें लगता है कि वो मुझे डरा देंगे, लेकिन मैं साफ बताना चाहती हूँ कि मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी और इस तरीके के लोग जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। जय हिंद। तो स्वाति मालीवाल ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि उनके घर पर कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, घर पर जो गाड़ियां थी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, गंभीर मसला है, कोई आम आदमी नहीं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के घर पर घुसने की कोशिश करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना एक बड़ी सुरक्षा चूक है और बड़ी घटना भी है। देखिए, सुरक्षा स्वाति मालीवाल के घर पर वैसी तैनात नहीं होती है जिस तरह से पुरानी DCW की अध्यक्ष के पास रही है। बहुत साधारण तरीके से स्वाति मालीवाल, सरकारी घर हालांकि जरूर है, लेकिन हम भी कभी इंटरेक्शन के लिए वहां पर जाते हैं तो बमुश्किल ही कोई पुलिस का कर्मी वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। जो संभवतः मामला समझ में आ रहा है, कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल को सोशल मीडिया के ऊपर एक थ्रेड भी मिला था जिसके ऊपर स्वाति मालीवाल ने साइबर सेल के अंदर शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामला साजिद खान के पार्टिसिपेशन से जुड़ा हुआ था जो कि बिग बॉस के सीजन के अंदर अभी गेस्ट हैं, अपीयर हो रहे हैं, पार्टिसिपेंट हैं। स्वाति मालीवाल ने विरोध किया था कि 14 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि किस तरह से उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट साजिद खान ने किया है बतौर प्रोड्यूसर रहते हुए। लिहाजा इस तरह के पार्टिसिपेंट्स को अगर बिग बॉस अपने शो के अंदर जगह देता है तो ये TRP अर्जित करने का एक अच्छा तरीका नहीं है। और IG मिनिस्टर को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि साजिद खान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच तो कम से कम की जानी चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन विड्रॉ होना चाहिए बिग बॉस से। उसके बाद से ये ट्वीट आया है और तोड़फोड़ जो हुई है आप गाड़ियों को देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कि स्वाति मालीवाल के घर के बाहर थी, संभवतः उन्हीं के सरकारी अमले की ये गाड़ियां थी और इनको क्षतिग्रस्त किया गया है। हालांकि CCTV कैमरा जरूर लगा होगा और कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। संभवतः यही माना जा रहा है कि ये मामला साजिद खान के विरोध के साथ जुड़ा हुआ है और स्वाति मालीवाल की तरफ से जिस तरह से बयान आपने सुना, उन्होंने कहा है कि वो किस तरह से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए चूकेंगी नहीं, चाहे वो किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना क्यों ना करें। तो ये गंभीर मसला तो है। DCW की अध्यक्षा के घर संभवतः ये पहली बार हुआ है कि किसी अध्यक्षा के घर के बाहर इस तरह से बड़ा हमला हुआ है, उनकी जान को भी खतरा आशंकित है। तरुण, लेकिन ये जो घटना हुई है इसका एंगल कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, लेकिन ये घटना ये बताने के लिए भी काफी है कि दिल्ली पुलिस लाख सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात करे, लेकिन स्वाति मालीवाल कोई गर्ल नेक्स्ट डोर तो है नहीं, वो एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठी हुई शख्सियत है और उनके घर पर अगर इस तरीके से हमला होता है, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है तो इसको बहुत लाइटली तो नहीं लिया जा सकता है। देखिए, लाइटली तो किसी भी एक साधारण महिला की शिकायत को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस का मैंडेट है कि वो किसी भी नागरिक की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित करें और अगर वो नहीं होती है तो जवाबदेही के लिए भी तैयार रहें। मामला स्वाति मालीवाल से जुड़ा है और स्वाति मालीवाल चर्चाओं में
कई मुद्दों के कारण रहती भी हैं, विवादों में भी रहती हैं और अपनी कार्रवाई के कारण वो कई एजेंसीज के रडार पर भी रहती हैं। इस तरह की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का अगर हमला हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कटघरे में खड़ी की जा रही है, जो सीधे LG को रिपोर्ट करती है, क्योंकि जो दिल्ली का कमिश्नर होता है, पुलिस कमिश्नर, वो उपराज्यपाल को रिपोर्ट करता है, लिहाजा उन्हीं की कार्यशैली को कटघरे में PM अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कम से कम इस तरह की कार्रवाई से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के प्रति लोगों की शंकाएं ज्यादा बढ़ती हैं, भरोसा कम होता है, लिहाजा इसको भी ध्यान में उपराज्यपाल को रखना चाहिए। इसको भी रखना चाहिए का मतलब ये हुआ कि उपराज्यपाल कई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनकी सरकार को नागवार गुजर रहे हैं बेशक, लेकिन वो ठीक है करते रहे, लेकिन साथ ही साथ जो उनका मूल काम है दिल्ली के अंदर सुरक्षा मुहैया कराना और साथ ही साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी जिम्मेदारी उपराज्यपाल विनय सक्सेना की है, लिहाजा वो ये सुनिश्चित करें। अरविंद केजरीवाल परोक्ष हमला उस पर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरुण आपका।